चलो रेडी रेडी कम अनिल सर आप लोग सब लोग फ्लो क्लियर कर देंगे अरे तुम लोग दो कदम पीछे जाना आएगी आवाज इतनी आवाज आएगी फिक्र मत करो अरे बाबा बहुत अनकंफर्टेबल है रे आएगी आवाज क्यों नहीं आएगी हम लोग नहीं बैठने वाले जोर से बोलेंगे चलो बाकी जिनका काम नहीं है प्लीज एक तो साइलेंस और ऊपर से वी आर ऑलरेडी रनिंग वेरी लेट जल्दी से शुरू करते हैं चलिए अरे वो माइक दे दो ना ये ठीक रहेगा यही ठीक है हम लोग की आवाज बुलंद है चलो रेडी अरे तू फिर आ गया नहीं हम आपका स्वागत कर रहे हैं हम तो यहाँ से कब से दोपहर से हम लोग आपका स्वागत है आप सबका स्वागत है पूछिए जगह जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही आलीशान मकान है जो अनिल जाजुर में खरीदना चाहते लेकिन इस वक्त नहीं ले पा रहे नहीं ये सेट है एक नए शो का जो शुरू होने वाला है कुछ ही दिनों में कलर्स इन्फिनिटी जो एक चैनल है कलर्स की कंटिन्यूएशन में शो का नाम है वोग बीएफएफ्स हिंदी में बोला जाए तो बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर तो आई कुडंट थिंक ऑफ अ बेटर पर्सन टू कम ऑन द शो विद बिकॉज ही हैज़ ऑलवेज बिन अ फ्रेंड टू मी इवन दो ही इज़ माई अंकल पर हमारा रिश्ता चाचा भतीजा से थोड़ा आगे रहा है थोड़ा अलग रहा है थोड़ा फ्रेंड ही रहा है फ्रेंड शूट करता है मेरे को एंड ही इज यंगर देन मी तो फ्रेंड ही हो सकते हैं इसीलिए हम यहाँ आए हैं चौबीस सॉरी अरे नहीं ये तो खुशी की बात है इट्स लाइक अ मोर लाइक अ फैमिली एंड जब मुझे पता चला कि ये शो कर रहे हैं तो इसका कॉन्सेप्ट और अच्छा लगा और ये वोग के साथ कर रहे हैं सो इट्स अ ग्रेट कोलैबोरेशन आई फील कलर्स इन्फिनिटी और वोग और चाचू दे वांटेड टू स्पीक लाउडर दे कम अच्छा कमेंट अच्छा कोलैबोरेशन किनके बीच आप अखबार के सिर्फ हेडलाइन पढ़ते हो ना आप कभी अंदर भी पढ़ा करो वो मजाक था ऐसे सिली सवाल का क्या जवाब दूँ मतलब ये मतलब क्या अनबन चल सकती है हमारे बीच में आप मीडिया हो आपको रिस्पॉन्सिबल सवाल पूछना चाहिए हमेशा से यू थिंक वी कैन हैव एनी मिसअंडरस्टैंडिंग वी विल बी सिटिंग हियर ऑन अ शो यू आर द पीपल दैट स्प्रेड द करेक्ट मैसेज सो प्लीज रीड द आर्टिकल इट्स इन अ फिल्म दे सेड इन द फिल्म वी हैव अ टिफ अनिल एंड अर्जुन एट वॉर फॉर मुबारक तो अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे जो लोगों को पता होना चाहिए कि आपने आर्टिकल नहीं पढ़ा इसीलिए कंफ्यूजन हो रही है हमारा कोई टिफ नहीं नहीं लोगों का परसेप्शन बिल्कुल ऐसा नहीं कि हमारे बीच में झगड़ा चल रहा है वरना हम आज इधर नहीं होते सर चलिए यू नो देयर आर लॉट ऑफ यू नो इट्स जब शो देखेंगे तो पता चलेगा आई डोंट वांट टू रियली डिस्क्लोज बट इट्स अ मजेदार शो फन शो इट्स अ फन शो यार एंड यू विल नॉट सी अस लाइक चाचा भतीजा यू विल सी अस लाइक फ्रेंड्स hanging and having conversation and a lot of fun yeah it's, aapko khud cheeze pata lagegi par aap episode dekhenge to wo maza aayega dekhne ka ji so obviously we all heard of keeping up with the Kardashians will we ever hear of keeping up with the Kapoors that would have to be with the that would have to be with Sonam and Riya no, it'll be a bigger success honestly but with Sonam and Riya you would with all, you know with all of us with all of us these, what she means is with all the Kapoors together yeah I think it'll be a I don't want to be part of that reality show. I'm very happy doing Khatron ke khilafi. No, but RDGS pahunch jaye to? No, phir bhi nahi. I don't want to put my life out there on... Are you sure? Nahi, nahi, nahi. Okay, done. Ye main sabke samne keh sakta hu. Main sirf Khatron ke khiladi karna chahta hu. Aur kuch nahi, bas. बस आपको यही जानना है नहीं बट क्यू सी क्या है कि वी आर फ्रेंड्स ऑफ कोर्स हम लोग यू नो लाइक आई एम फ्रेंडली टू ऑल माय चिल्ड्रन आल्सो अर्जुन ही नहीं मैं हर्ष के साथ भी सोनम रिया सबके साथ एक किस्म का एक मोहित है तो सबके साथ एक दोस्ती है मगर ऑब्वियसली देयर इज़ अ सर्टन यू नो क्या बोलते हैं एक बाउंड्री है राइट बाउंड्री है तो वो बाउंड्री ज़रूर है वेरी फ्रेंडली बट दे ऑल चिल्ड्रन विच आई कैन वेरी प्राउडली से ऑल ऑफ देम वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल ऑल्सो यस जी ऑब्वियसली डैड मतलब ये यार अब तुम लोग हद कर रहे हो यार अब मतलब
मैं आपसे ये सवाल पूछो तो क्या पूछो, क्या जवाब दोगे मोर ऑर लेस? आई एम सी आई एम वेरी क्लोज टू माई फादर एंड दैट इज रिमेन्ड फॉर मेनी मेनी ईयर्स. आई एम वेरी वेरी क्लोज टू हिम. फॉर मी दैट रिलेशनशिप्स आर डिफरेंट, अलग तरह के. ही इज माई फादर एंड आई हैव अ फादर सन इक्वेजन विद हिम. जैसे मैंने कहा when they asked me about the show, I felt I wanted to come with him because I have a more of a friends wala equation with him and it's genuinely been the case. आप सब नहीं जानते होंगे, ये मुझे चाचू बुलाते हैं. मैं इनको चाचू बुलाऊँ, उसके पहले वो मुझे चाचू बुलाते हैं. तो हम में वो नोक झोंक सालों से चलती आ रही है. अलग रिलेशनशिप है, अलग मायने है मेरी ज़िंदगी में उस रिलेशनशिप में दोनों के. बट आई कैन नेवर कंपेयर. इट्स लाइक राइट आर्म बेटर कि लेफ्ट आर्म बेटर, दोनों ज़रूरी है. Yes, for the first time, yes. Ek, yes, this Mubarakah mein pehli baar, yes. Ji. Ji, main South Africa mein tha, Cape Town mein shooting kar raha tha. Bahut hi maza aaya, bahut hi difficult outdoor tha. Hum winter mein shooting kar rahe the South Africa mein. Uske bawajood, it turned out to be a blessing in disguise because bahut hi achhi jagah thi aur hamari team ekjut hoke kaam kar rahi thi. So I think we are 70% done with the film. काफ़ी हद तक फिल्म ख़त्म हो चुकी है. इनफैक्ट मैं अगले कुछ दिनों में लास्ट 20 दिन की शूटिंग करने न्यूयॉर्क जा रहा हूँ और फिर बॉम्बे में जो थोड़ा बहुत काम बचेगा. तो काम बहुत ही अच्छी तरह चल रहा है. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू पुट द फिल्म आउट देयर. मैं वेट नहीं कर सकता मई आने का. अनफॉर्चुनेटली पिक्चर 6-8 महीने बाद लगेगी, बट इट्स बिन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस वर्किंग विद मोहित श्रद्धा एंड द एंटायर टीम. लास्ट क्वेश्चन, अभी 12 एपिसोड बाकी हैं इसके. 12 एपिसोड हो चुके हैं. सैटरडे संडे को जो 2 एपिसोड आने वाले हैं मेरे फेवरेट हैं और मैं चाहूँगा कि आप लोग सब देखें. उसमें शबाना और रौनित रॉय का कैमियो है और दोनों ने बहुत कमाल का काम किया है, रौनित एंड शबाना, शबाना जी ने. एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड. पर देखो आप सवाल रेज कर देते हो जी. हाँ जी, मैं वन सेकेंड. हाँ जी 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 जी. चलिए अब आप सब सुनिए, ये सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा. वैसे आई डोंट लाइक टू रिएक्ट टू रिडिकुलस कॉन्वर्सेशन. जिस जगह पे ये स्टोरी आई है नॉर्मली कोई उसे सीरियसली नहीं लेता, बट मैं एक प्रोड्यूसर का बेटा हूँ. जब वो आउटडोर चल रहा था जून के महीने में, माई ग्रैंड मदर वो सीरियसली अनवेल. जैसे आप सब आए थे फ़ोटो खींचने जब उनका देहांत हुआ, आप सब जानते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई उस समय जब मैं आउटडोर शूट कर रहा था. अगर उस समय मैं 1 लाख रुपये का बिल बना रहा था दारू पीते हुए, तो मुझ में कुछ कमी होगी जिस वजह से मुझे नौकरी नहीं मिलनी चाहिए इसके आगे, ये फिल्म के आगे बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए. आई वॉज ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ एवरी डे फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली, दिल्ली टू बॉम्बे, शूटिंग ओवर देयर, फ्लाइंग बैक. आई कंटिन्यू शूटिंग. मेरा जन्मदिन था उस महीने. मैं कुछ नहीं करना चाहता था. बालाजी ने कहा वो एक पार्टी थ्रो करना चाहेंगे. हमने 1 बजे तक पार्टी की, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, केक काटा जिसके फोटोज इंटरनेट पर मौजूद हैं. उसके बाद अगले दिन सुबह 7 बजे शूटिंग पे हम सब पहुंच गए थे. आप दिल्ली हाथ में जाके पूछ सकते जहाँ पे हमने शूटिंग की. तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ, आई एम वेरी वेरी फेयर टू ऑल ऑफ यूर. आई ऑलवेज टेक आउट टाइम फॉर ऑल ऑफ यूर एंड आई नेवर एवर कंप्लेन अबाउट जब मेरी पर्सनल जिंदगी के बारे में कुछ लिखा जाता है. मुझे अनप्रोफेशनल बताना या पोर्ट्रे करना किसी का पर्सनल स्वार्थ है उसमें. समबडी इज अपसेट और जेलस दैट दे वॉन्ट टू मिस लीड पीपल टू आस्क क्वेश्चन लाइक दिस और थिंक ऑफ मी लाइक. सो आई रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यूर नॉट टू गिव इट इंपॉर्टेंस टूडे. यू आस्क मी, आई डोंट वॉन्ट टू शाय, बट आई वॉन्ट टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यूर to be responsible. It is important. It is shameful the way it is being written about and nobody reacts by asking me, sir, aisa ho nahi sakta. You are still asking me that what did you do, tell us. It's very, very sad. And you guys know what happens in our lives. You know my grandmother passed away. You know if I was not a professional, wo picture abhi tak khatam hoti. Aapko lagta hai aisa? My father is known as one of the most serious, most amazing producers. You think as a producer's son, I would put the other producer in jeopardy and say, ye ro 1.5 lakh rupay ka bill. To bahut sharm ki baat hai. Aapki family se ek insaan ne mere pe wo aarop lagaya hai.
जो गलत है, तो मैं चाहूँगा यू शुड ऑल रेट्रोस्पेक्ट एंड इंट्रोस्पेक्ट अबाउट इट एंड नेक्स्ट टाइम आई मीट यू आई होप देयर आर नो स्टोरीज लाइक दिस टू डिस्कस. No, sir, it's very sorry. Thank you so much. Thank you so much. This note. Thank you. Ram Ram.